हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर आता हूं, ऐसे ही आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं फ्रेंड्स आपके लिए फास्ट चार्जिंग, जिसे कहा जाता है, जिसे टर्बो चार्जिंग हम जिसे कहते हैं फ्रेंड्स। ये कैसे वर्क करती है 4G हैंडसेट में, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो यहां पे लेकर आया हूं, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है कि फास्ट चार्जिंग कैसे काम करता है। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और इमरजेंसी प्रोग्रामिंग के सॉल्यूशंस चाहिए तो हमारे वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए सॉल्यूशंस के हमने बनाए, जिसमें हो सकता है आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको एक प्रोफेशनल वे में एक सर्किट की डीपली नॉलेज अगर आपको सीखनी है और एक हैंड स्किल का काम अगर सीखना है तो आज ही ज्वाइन करिए फोन फिक्स HYD। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, अपनी सीट बुक करा सकते हैं आप। नेक्स्ट बैच हमारा 5 मई से है, 5 मई से हमारा बैच है। 20 डेज का क्लास है जिसमें आपको 10 घंटे का प्रैक्टिकल क्लास होता है, जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें, और वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा ये फास्ट चार्जिंग कैसे काम करती है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा कोशिश की है आपको समझाने के लिए। दोस्तों, फास्ट चार्जिंग को जो है टर्बो चार्जिंग भी कहा जाता है। ये क्वालकॉम जो चिपसेट है, हमारा CPU है, क्वालकॉम जो कंपनी है उन्होंने इसको स्टार्ट किया फास्ट चार्जिंग को। पहले जो हमारा चार्जिंग हुआ करता था उसके अंदर आपको 5 वोल्ट और 1 एम्पियर के साथ आपको चार्जर मिल जाता था, लेकिन अभी के जो हैंडसेट है फ्रेंड, जिसमें बहुत फास्ट चार्जिंग हो जाती है आपकी, बहुत ही कुछ समय में चार्जिंग हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है कि जो बैटरी आपकी 3300 mAh की जो बैटरी होती है, जिसमें आपको क्विक चार्जिंग 2.0 इनेबल डिवाइस दिया जाता है, जिसमें फ्रेंड्स आप 0 से 60% तक आधे घंटे के अंदर आपका जो चार्जिंग है वो फुल हो जाता है इसके अंदर, जो कि आपका फास्ट चार्जिंग होता है। और जो पहले वाले चार्जर थे फ्रेंड, जिसमें 5 वोल्ट और 1 एम्पियर के हुआ करते थे, उसमें आपको 30% या 12% इस तरह का आधे घंटे में आपको उतना चार्जिंग हुआ करता है। लेकिन अभी के हैंडसेट में फास्ट चार्जिंग हुआ करता है, क्योंकि फ्रेंड्स मोबाइल के अंदर भी एक टर्बो IC लगी होती है, जिसको हम यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश किया हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वालकॉम में SMB1351 करके इस तरह की IC आती है, और चार्जर के अंदर भी सर्किट दिया जाता है कि फास्ट चार्जिंग के लिए CPU के लिए कुछ इंफॉर्मेशन होती है, चार्जर के थ्रू जाता है वो वोल्टेजेस, वो सिग्नल जाता है, तब जाकर के हमारा हैंडसेट में फास्ट चार्जिंग होती है। फ्रेंड, ये कैसे काम करता है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास Redmi Note 8 Pro का एक डायग्राम है, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। इसमें जो सप्लाइयां यूज की जा रही है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं हम USB DMDP की सप्लाई। VBUS की जो सप्लाई होती है वो हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सप्लाई यूज की जा रही है USB D, जिसे हम डाटा पॉजिटिव और डाटा माइनस जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे चार्जिंग कनेक्टर से इस कनेक्टर पे सबसे पहले ये सप्लाई आती है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पैरेलल में आप सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 टेस्ट पॉइंट मिलेंगे आपको DMDP के, जो कि आपको हैंडसेट में देखने को मिल जाएंगे TP6504 TP6503। ये 2 टेस्ट पॉइंट के बाद आपको यहाँ पे 2 डायोड मिलेंगे, जिसे हम ESG भी कहते हैं या जेनर भी आप कहते हैं या TVS डायोड भी आप जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 डायोड दोनों लाइन में लग के हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम इस लाइन को सर्च करेंगे आगे कहाँ जा रही है, तो ये लाइन जो होती है फ्रेंड्स, एक जाती है आपकी पावर IC में और दूसरी लाइन जाती है वो CPU के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में भी ड्रॉ करके बताने की कोशिश किया हूं, मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ सबसे पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे 2 200 ओम्स के यानी लो वैल्यू के हमारे पास 2 रजिस्टर लगे हुए सीरीज में, और उसके बाद ये जो लाइन है DMDP की, जिसे डाटा प्लस और डाटा माइनस कहते हैं, ये चले जाती है SMB1351 IC, जो कि एक बॉल IC है। अगर हम बोर्ड में देखेंगे तो U602 इसका नंबर है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे U602 सर्च करके बता देता हूँ। यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे PCB में अगर देखेंगे आप
तो यहाँ पे ये Redmi Note 8 Pro का हैंडसेट है, इसमें आपको ये यहाँ पे लगकर है, ये हमारी टर्बो एसी है जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए काम करती है। इसके बाद फ्रेंड्स यही सप्लाई को अगर हम और आगे सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको सर्च करेंगे तो ये सप्लाई आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहीं से होकर के U3100 एक आईसी है जिसके अंदर ये दोनों सप्लाई हमारी आ रही है। चलिए U3100 क्या है देख लेते हैं, U3100 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं U3100 जो है ये हमारा मास्टर है जो सीपीयू है, तो ये जो लाइन है सीपीयू में जा रही है। तो फ्रेंड्स ये कैसे काम कर रही है यहाँ पे आपको हम डायग्राम बनाकर बताने की कोशिश किए हैं। जब आप यूएसबी डाटा केबल लगाते हैं तो ये दोनों लाइनों से ही जो है फ्रेंड्स यहाँ से डाटा पास होता है, डाटा आपका जाता है और आता है जिसके थ्रू आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप फोटोज वीडियोस वगैरह आप मोबाइल के अंदर से निकालते हैं या तो कुछ उसमें से ट्रांसफर करते हैं, तो ये डीएमडीपी की सप्लाई हमारी यूज होती है। लेकिन फ्रेंड जब फास्ट चार्जिंग लगाना होता है तो जब हम यहाँ पे टर्बो चार्जर लगाते हैं, टर्बो चार्जर जैसा कि यहाँ पे हमने बताने की कोशिश की है आपको, ये देख सकते हैं इस तरह का चार्जर आता है आपका जो कि 5 वोल्ट 2.0 एम्पियर का ये चार्जर होता है। इससे आपका एक सर्किट ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब आप ये चार्जर इसमें कनेक्ट करते हैं, डाटा आपका जो चार्जिंग सीसी में कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों लाइन आपस में शॉर्ट हो जाती हैं। जब ये दोनों लाइन आपस में शॉर्ट हो जाती हैं तो पावर आईसी से यहाँ पे 2 वोल्टेज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है आपको। तो जब ये दोनों लाइन आपस में शॉर्ट हो जाती है, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जब आप चार्जर लगाते हैं तो दोनों लाइन ये शॉर्ट हो जाती हैं तो पावर आईसी यहाँ से 2 वोल्ट रिलीज करता है और ये 2 वोल्ट फ्रेंड्स सीपीयू की तरफ जाते हैं और सीपीयू को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे टर्बो चार्जर लगाया गया है, तो सीपीयू उस टाइम पे जो हमारी फास्ट चार्जिंग के लिए आईसी यूज हो रही है ये वाली जिसके हम एसएमबी कहते हैं, तो ये आईसी एक्टिव होती है आपकी, यहाँ पे मैंने फोटो भी रखा है इसका, तो ये आईसी एक्टिव होती है और अपना काम स्टार्ट कर देती है और ये फास्ट चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है मोबाइल के अंदर। तो फ्रेंड्स आपने देखा अगर नॉर्मल चार्जर आप लगाते हैं 1 एम्पियर वाला तो ये लाइन शॉर्ट नहीं होंगे दोनों उसके, क्योंकि चार्जर के अंदर ऐसा सर्किट है नहीं कि दोनों लाइन को शॉर्ट कर दें, तो चार्जर जो सीपीयू वही हमारा नॉर्मल चार्जिंग करेगा, तो जिसमें आपका टाइम बहुत ही ज्यादा आपका चार्जिंग में लगेगा। तो फ्रेंड जब आप इसमें टर्बो चार्जर लगाते हैं तब ये दोनों लाइन आपस में शॉर्ट होती हैं, 2 वोल्टेज के आसपास इस लाइनों में आपको मिलेगा, जहां पे 1 के आपको सीरीज में रेजिस्टर मिलेंगे। और फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, 2 वोल्टेज आपको रजिस्टर के इनपुट में और आउटपुट में दोनों तरफ 2 वोल्टेज ही मिलेगा, लेकिन रजिस्टर्स क्या करेंगे फ्रेंड्स यहां पे एम्पियर की मात्रा को कम कर देंगे, एम्पियर को घिरा देंगे, लो एम्पियर कर देंगे और वही लो जो एम्पियर है यहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि हाई एम्पियर अगर यहां से चला जाता है तो सीपीयू आपका डैमेज हो जाता है ऐसे में। तो यहां पे 2 हाई वैल्यू के रजिस्टर को लगाया गया है ताकि यहां से ज्यादा वोल्टेज सीपीयू तक ना जाए और सीपीयू डैमेज ना हो, तो यहां पे एम्पियर लो हो जाएगा लेकिन वोल्टेज आपका 2 वोल्ट यहां पे जाएगा। तो सीपीयू यहां से फास्ट चार्जिंग के लिए एसएमबी आईसी जो है हमारी उसको एक्टिव करेगा, टर्बो आईसी जिसे हम कहते हैं, और हमारा चार्जिंग यहां पे फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक छोटा सा वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लेकर आई है फोनफिक हैदराबाद की टीम, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। नेक्स्ट बैच हमारा 5 मई से है, अगर आप चाहे तो सीट बुक कर सकते हैं, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, अपनी सीट बुक करा लीजिए। अगर आपको एक प्रोफेशनल वे में अगर काम सीखना है तो आज ही कॉल करिए, अपनी सीट बुक करा लीजिए और अपने आप को एक अच्छा एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनाइए और सर्किट डायग्राम की नॉलेज लीजिए कैसे सर्किट काम कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप खाली आईसी निकाल के डालेंगे तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स रास्ते में हर एक ट्रैक के अंदर आपको क्या कंपोनेंट सीरीज में है, कितने वैल्यू के कंपोनेंट है, पैरेलल में क्या कंपोनेंट मिल रहे हैं, ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर एक रेजिस्टर भी मिस हो जाता है या ओपन हो जाता है या उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो सप्लाई उस सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा। इस आप मोबाइल को अगर आईसी बदलते जाएंगे तो ये लाइन तो हमारी अपने आप से जुड़ेगी नहीं, कंपोनेंट तो अपने आप से चेंज होगा नहीं, तो आपको ये नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको सर्किट डायग्राम की नॉलेज अगर लेनी है
एक प्रोफेशनल वे में काम करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सर्किट काम कैसे कर रहा है। तो इसीलिए आपको अपडेट होना पड़ेगा ताकि आपके पास से जो सेट वापस जा रहे हैं, जो दूसरे दुकानदार को जाके आप दे रहे हैं, मतलब आपकी इनकम आप दूसरे बंदे को दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, खाली हीट मारने से आईसी में क्या होगा, बस थोड़े से बॉल मेल्ट होंगे अगर हो सके, अगर ड्राई सोल्डिंग का प्रॉब्लम रहेगा कुछ देर हैंडसेट चलेगा, दो चार दिन आठ दिन बाद फिर से वापस से बंद हो जाएगा। लेकिन अगर सप्लाई लाइन में शॉर्टिंग आ गई है या सप्लाई की उस लाइन में ट्रैक कोई ओपन हो गया है, कंपोनेंट कोई ओपन हो गया है, ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। खाली हीट मारने से वो ट्रैक तो बनेगा नहीं। ये एक रीजन है फ्रेंड्स, अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है ताकि हम कल के दिन कोई भी नया हैंडसेट हमारे पास आ जाए तो हम उसे अच्छे से रिपेयर कर सके। सिर्फ और सिर्फ हीट मारने से कुछ नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।